कब्रिस्तान के अंदर की हैरत अंगेज वीडियो रिकॉर्डिंग्स आज हम देखने वाले हैं तो जितने भी सॉफ्ट हार्टेड यू नो नरम दिल इंसान है भाई अलविदा कर दो वीडियो क्लोज कर दो क्योंकि हो सकता है आपको एक गहरा झटका लगे ये वीडियो देखने के बाद वैसे तो मैं खुद भी नरम दिल हूँ पर मेरी क्यूरोसिटी का लेवल इतना ज्यादा है कि मैं नहीं खुद को रोक सकती है वीडियो देखने से हंसी भी आ रही है डर भी लग रहा है कि ओ गॉड वी आर गोइंग टू विटनेस सम्स पैरानॉर्मल भैया सच्ची मुच्ची वाले रोंगटे खड़े हो रहे हैं इधर हे हाय हेलो नमस्ते जी सचरियाक असलम मैं निधि शर्मा इंडिया से और अभी जो रोमांच मेरे अंदर डेवलप हो रहा है ना ये इंक्रीज ही होता जा रहा है कब्रिस्तान वो जगह है जहाँ पर मुर्दों को जो है दफन किया जाता है जहाँ पर कोई इंसान रात को मौजूद नहीं होता है तो उधर क्या सब एक्टिविटी होती होगी गैर मौजूदगी में किसी इंसान के मतलब इंसान होते हैं पर वो मरे हुए होते हैं दे डू नॉट हैव सोल्स उनके अंदर रूह नहीं होती क्या बोल रही हूँ मैं ऑलरेडी दिमाग घूम चुका है वीडियो देखने से पहले देखने के बाद पता नहीं क्या हाल होगा हाइपर रहस्यमय मोस्ट मिस्टीरियस थिंग्स एवर रिकॉर्डेड इन अ कब्रिस्तान दोस्तों मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी सारे मुर्दे निकाल कर ले जाए और क्या कभी शीशे से बनी हुई no. ट्रांसपेरेंट कब्रें no. देखी हैं और क्या हो अगर किसी औरत को जिंदा ही कबर के अंदर लेटा दिया जाए वे आज के मैं आपको कब्रिस्तान में रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे अनयूजुअल वीडियो दिखाऊंगा तो शुरू करते हैं अपना काउंटाउन दोस्तों 2019 की एक सुबह इंडोनेशिया के कब्रिस्तान में ऐसा पेश आया जिसे देखकर दुनिया के तमाम मुसलमान शौक हो गए सुबह के वक्त जब लोग इस कब्रिस्तान में गए तो इसमें मौजूद हर एक कब्र में बड़े बड़े होल्स बने हुए थे इस कब्रिस्तान में मौजूद सारी कब्रें डैमेज हो चुकी थी और इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने इन सारी कब्रों को खोद इनमें सुराख कर, इन कर दिए हूँ वैसे तो ये सीन भी काफी खौफनाक था लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे की जब लोगों ने और से देखा तो इन तमाम कबरों से मुर्दे भी गायब थे इनमें से हर एक कबर के अंदर कोई मुर्दा या कफन मौजूद नहीं था कोई नहीं जानता था की इन कबरों के साथ क्या हुआ और इनमें मौजूद मुर्दे कहाँ चले गए वेल ये मंजर इतना खौफनाक था कि देख कर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे इन सारी कब्रों को दे किसने खोदा और इनमें मौजूद मुर्दे कहाँ गायब हो गए ये बात एक मिस्ट्री थी इन कब्रों का हाल देख कर कोई यकीन से नहीं कह सकता कि इन की इनकी खुदाई किसी इंसान ने की होगी इस कब्रिस्तान में मौजूद हर कब्र एक अलग अंदाज से डैमेज थी और इवन ये होल्स इतने गहरे थे कि इनमें कब्र की गहराई आसानी से देखी जा सकती थी कब्रों उनमें तो मौजूद मूर्तों के साथ क्या हुआ यह बात कोई नहीं जानता लेकिन ये कब्रिस्तान में होने वाले सबसे खौफनाक और मिस्टीरियस इवेंट्स में से एक था दोस्तों ये बातों हम सब जानते हैं कि मौत बरहक है और हर किसी को एक ना एक दिन मरना है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी शख्स के रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे एक अफ्रीकन मुस्लिम कंट्री के अंदर रिकॉर्ड किया गया था और एक अफ्रीकन टिकटॉकर ने इसे अपने टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड किया असल में इस इलाके में एक शख्स की डेथ हुई और जब इसकी कबर को खोदा गया तो इसमें अचानक से शदीद आग लग गई जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कबर के अंदर से आग के शोले बाहर निकल रहे थे ये इवेंट इतना खौफनाक था कि इसे देखने के लिए पूरे इलाके के लोग जमा हो गए थे अभी इस शख्स को दफनाया भी नहीं गया था कि इसकी कबर आग से भर गई थी देख कर इलाके के लोग शदीद खौफ जदा हो गए थे लेकिन बहरहाल इतना कुछ होने के बावजूद आग को बुझा कर इस शख्स को कबर के अंदर दफन कर दिया गया था क्यूँकी इन लोगों के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, नहीं था वे इस शख्स के साथ कबर में जो मामला पेश आया वो तो अल्लाह तला बेहतर जानता है लेकिन बहरहाल ये हर मुसलमान के लिए लम्बे फिक्रिया है की इसे सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आखरत के बारे में भी सोचना चाहिए दोस्तों सो एज ए मुस्लिम हम सब का अकीदा है कि अजाब कबर हक है जो भी शख्स बुरे अमाल करने के बाद बगैर तोबा के इस दुनिया से चला जाता है तो इसे अजाब कबर दिया जाता है वैसे तो कबर के ज्यादातर अहवाल पोशीदा रखे गए हैं लेकिन कभी कभार इंसानों की इबरत के लिए अजाब कबर के कुछ मनाजर देखने को मिल जाते हैं ये जो वीडियो आप दिख रहे हैं इसे एक पख्तून इलाके के अंदर रिकॉर्ड किया गया था इसमें एक पठान की डेथ हुई और इसके लिए कबर खोदी गई जैसे ही इस कबर को खोदा गया तो इसकी फ्रंट साइड पर एक और कबर हो गई जब लोगों ने इस कबर के अंदर देखा तो इसके अंदर मौजूद मुर्दा बुरी तरह जल कर राख हो चुका था इलाके के लोगों के मुताबिक इस शख्स की वफात भी हुई थी और इसे बिल्कुल सही सलामत दफनाया गया था लेकिन माजल्ला इसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसकी मैयत को बुरी तरह जलाया गया है वह ये मंजर इतना खौफनाक था कि इसे देख रूह कांप जाती है अल्लाह कब्र से महफूज रखे और की तौफीक दे। दो दो मरे हुए चार महीने गुजर गए तो एक दिन कुछ लोग इनकी कबर के पास से गुजर रहे थे अचानक इन्हें कबर के अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाजें आना स्टार्ट हो गईं। जैसे ही ये खबर फैली तो इस इलाके के तमाम लोग वहां पर जमा हो गए इन लोगों ने जमीन को खोद अंदर देखने का फैसला किया आप बिलीव नहीं करेंगे कि जैसे ही इन्होंने कबर को खोदा तो इसके अंदर एक मासूम बच्ची की हो चुकी थी लोकल रेजिडेंट्स के मुताबिक इस औरत को मरे हुए चार महीने गुजर चुके थे लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा था कि मरी हुई हालत में बिलीव भी बिलीव चार माह तक कबर में रहने के बावजूद ये बच्ची अपनी माँ के पेट में सलामत रही और ग्रो करती रही हैरानगी की बात यह है की इस मासूम बच्ची की रोने की आवाज बाहर मौजूद लोगों तक पहुंच गई और इन्होंने कबर खोद कर बच्ची को सही सलामत बाहर भी निकाल लिया सोचने की बात ये है कि ये मासूम बच्ची कब्र में जिंदा कैसे रही और ये खुद ब खुद पैदा कैसे हो गई ये मेरिकल इतना मिस्टीरियस था किसके बारे में गुमान कर पाना भी मुश्किल है कि ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला हर चीज पर कादर है ये रियली अनबिलीवेबल है दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये थाईलैंड का रहने वाला एक यूट्यूबर है इसके चैनल का नाम पर्सन ऑफ गोस्ट है ये अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करता है जिनमें ये जोकर के रूप में हॉन्टेड प्लेसेस पर जाकर इन्हें एक्सप्लोर करता है कुछ अरसे पहले ये अपने दोस्तों के साथ जोकर का भेस बदल कर थाईलैंड के एक कब्रिस्तान में गया और वहां पर कब्रों के सामने म्यूजिक लगाकर डांस करना स्टार्ट कर दिया असल में ये दिखाना चाहता था की कब्रिस्तान कोई खौफनाक प्लेस नहीं होती और ये इसे बहुत लाइट ले रहा था इवन अच्छा। ये कॉफन के अंदर लेट कर भी वीडियो बनवा रहा था और ये सब लोग चेल कर रहे थे अभी ये यूट्यूबर और इसके दोस्त कब्रिस्तान के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कर, कर रहे थे डांस करते करते अचानक इस यूट्यूबर के ऊपर हुआ और ये बिल्कुल की तरह स्टिल होकर खड़ा हो गया ये देखकर इसके दोस्त शदीर डर गए और इसे उठाकर वहां से भागने की कोशिश की असल में इस पर किसी चीज का साया आ गया था और इसका मुर्दा इंसान की तरह अकड़ गया था इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये कोई मुर्दा हो पहले तो इसका दोस्त इसे उठाकर वहां से भागा लेकिन रास्ते में वो इतना شديد डर गया कि इसे वहीं छोड़कर भाग गया जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये लड़का कितने खौफनाक तरीके से पैरालाइज्ड हो चुका था पर लकीली कुछ देर बाद इसके दोस्त वापस आए और हिम्मत करके इसे उठाकर ले गए इस इवेंट के बाद काफी दिनों तक इस यूट्यूबर की हालत खराब रही और फिर ये रिकवर हो गया था लेकिन बहरहाल अगर बंदा ऐसी चीजों का मजाक उड़ाने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही दोस्तों वैसे तो लोग टिकटॉक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल होने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करते हैं लेकिन क्या हो अगर कोई बंदा कब्रिस्तान में जाकर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दे वेल ये वीडियो आप दिख रहे हैं इसमें एक मुर्दे के लिए कब्र खोदी गई थी जब खुदाई कंप्लीट हुई तो एक टिकटॉकर वीडियो बनाने के लिए इस कब्र के अंदर लेट गया और अपने दोस्त से कहा कि इसकी वीडियो शूट करे खैर जैसे ही ये कब्र के अंदर लेटा तो अचानक कब्र की एक साइड से मट्टी का एक बड़ा टुकड़ा इस लड़के के ऊपर आ कर गिर गया वेल well, कबर को मजाक समझने के चक्कर में इसकी अपनी होश उड़ गए थे लकीली ये जमीन में दफन होने से तो बच गया लेकिन बहरहाल अब ये दोबारा कभी भी कब्रिस्तान में जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा इसके अलावा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें भी एक शख्स एक पुराने कब्रिस्तान में खोदी गई कब्रों में लेट कर वीडियो बनवा रहा था इसे लगा था कि ये सब मजाक है लेकिन जैसे ही कब्र के अंदर ये लेटा तो किसी चीज ने इसकी शर्ट को पकड़ा और इसे बाहर खेचने की कोशिश स्टार्ट कर दी आप वीडियो में देख सकते हैं कि कोई इन्विजिबल चीज इसे शर्ट से पकड़कर बाहर निकाल रही थी वे इस इंसिडेंट के बाद ये लड़का इतना डर गया कि ये और इसका दोस्त फौरन वहां से भाग गए अब बंदा कब्र का मजाक उड़ाने की कोशिश करेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा दोस्तों दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं, हैं। जिन्हें कब्रिस्तान में जाने से डर लगता है ऑफ कोर्स वहाँ पर मुर्दे दफन होते हैं और नहीं। 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 इनके बारे में सोच कर ही कोई भी इंसान डर जाता है लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा कब्रिस्तान देखा है जहाँ पर आप कब्र के अंदर मौजूद तमाम मुर्दों को लाइव देख सके वे जो कब्रिस्तान आप देख रहे हैं ये चाइना में मौजूद है असल में कुछ अरसे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें चाइना का एक कब्रिस्तान दिखाया गया जहाँ पर मौजूद तमाम कबरे ट्रांसपेरेंट ग्लास से गई थी इस कब्रिस्तान की कब्रों में मट्टी भरने की बजाय इनमें ग्लास लगाया गया था जिससे इसके अंदर इजीली देखा जा सकता था ये कब्रें चाइना की एन यंग सिटी में मौजूद है सोचने की तमाम कब्रों के ऊपर ग्लास लगाया गया है और आप इनमें मौजूद मुर्दों को भी देख सकते हैं वेल जब ये वीडियो वायरल हुई थी तो लोगो ने इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया लेकिन इसकी असल हकीकत कुछ और ही है दरअसल चाइना का एक म्यूजियम है और इन कब्रों में मौजूद बॉडीज तीन हजार साल पुरानी है इस म्यूजियम का नाम जिन जू म्यूजियम है इन एंटिंग बोन्स को ग्लास में इसलिए रखा गया है ताकि इनके अंदर रखी हुई ह्यूमन बोन्स डैमेज ना हो सके और लोग आकर इन्हें देख सके बहरहाल जो भी हो ये जगह वाकई में बहुत है दोस्तों वैसे तो आप सबने बहुत से जनाजों में शिरकत की होगी और मुर्दा लोगों को कब्र में दफन होते भी देखा होगा लेकिन क्या आपने नहीं कभी नहीं किसी को जिंदा कब्र के अंदर लेटते हुए देखा है वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक अफ्रीकन लड़की को जिंदा ही कब्र के अंदर लेटाया जा रहा है इस वीडियो को कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था इसमें एक लड़की कब्र के अंदर लेटती है और इसके ऊपर लकड़ी के तख्ते भी रखे जाते हैं फर्स्ट क्लास में तो इस वीडियो को देख कर कोई भी बंदा शौक हो जाएगा। लेकिन असल में ये उस इलाके का एक ट्रेडिशन है इस इलाके के लोग जब किसी की कबर को खोते हैं, तो मुर्दे को अंदर लेटाने से पहले किसी को इसके अंदर लेटाते हैं ऐसा करने से दिल में आखरत का खौफ पैदा होता है इवन इसके ऊपर तख्ते भी रखे जाते हैं ताकि वो पूरी तरह महसूस कर सके कि मरने के बाद इसके साथ क्या होगा वैसे तो ये ब्लॉक्स कुछ ही देर के लिए रखे जाते हैं और फिर इस बंदे को बाहर निकाल लिया जाता है लेकिन मतलब इब्रतनाक क्या क्या, क्या क्या शब्द इस्तेमाल करूँ स्पेशली वो जो कब्र के अंदर एक बंदा जल गया था खुद से और अफ्रीका के अंदर आग ही लग गई थी जब उसको दफन करने जा रहे थे वो देख करके रूह ही कांप जाती है डर सा लगता है अल्टीमेटली हर इंसान को जाना वो कबर में ही है मरना है डेथ इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ जिंदगी का सत्य है कि एक ना एक दिन वी हैव टू डाई ऑल ऑफ अस जिसका जन्म हुआ है एक दिन रुखसत होगा जिंदगी से यहाँ दुनिया से टाटा बाय-बाय करना पड़ेगा पर यही बोला ना इस वीडियो के अंदर भी हमको ये पैगाम दिया गया इस्लाम के अंदर भी हमको यही कहा गया है कि आपने गुनाह करके भी तौबा नहीं करी और आप उसी कुफ्र की हालत में मर गए तो फिर अजाब ही नाज़िल हो जाता है तो भैया सुनो तोबा है ना रोज आना किया करो रोज सॉरी कहा करो क्योंकि हमें नहीं पता जाने अनजाने हम कुछ गलत काम कर ही देते हैं और जितना हो सके हमें हराम काम से बचना है गुनाहों से बचना है और अल्लाह बहुत रहमान और रहीम है वो आपको माफी ग्रांट कर देता है बस माफी मांगने वाला चाहिए रहे और हाँ वीडियो का हर एक पॉइंट हर एक सिनारी वॉज एक्सट्रीमली टेरिफाइंग पर वो जब उन्होंने बोला ना कि चार महीने की बच्ची उस कब्र के अंदर अंदर सस्टेन कर गई और वो जिंदा बाहर निकल गई उसमें मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ हो सकता है वो सच हो बट वो मुझे ऐसा लग रहा था कि दैट्स फेक वीडियो बाकी सबकी रियलिटी तो नजर आ रही थी और ये भी याद आ गया कि दुनिया बड़ी टेम्प्रेरी है छोटी सी हमारी ये लाइफ जर्नी है ईमान के साथ नेक अमाल करते हुए अच्छे कर्म करते हुए जिंदगी बिता दो दैट इज लाइफ Otherwise, ये जेलस एंगर फ्रस्टेशन ये सब गलत इमोशंस में कुछ नहीं रखा बॉस अपना ख्याल रखना तंदुरुस्त रहना खाते पीते मस्त रहना और मुस्कुराहट आपके चेहरे पे बरकरार रहनी चाहिए क्योंकि बड़ी जचती है और दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत का भी ख्याल करना मैं निधि शर्मा आपसे लेती हूँ इजाजत नो अलविदा एट ऑल अल्लाह हाफिज